कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की मदद से राहुल गांधी विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार होगी। आपको बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीटिंग के लिए राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलावा भेजा है। इसमें दोनों सदनों के कांग्रेस सांसद भी मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान सभी नेता सदन में उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। राहुल की मीटिंग में लेफ्ट पार्टियों, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित 14 दलों के नेताओं के मौजूद रहने की संभावनाएं हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे एवन संवाददाता प्रीत किरण से। फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ दिल्ली से। प्रीत, विस्तार से हमें बताएं क्या कुछ इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, और फिर से इस खबर से ऐसा लग रहा है कि एंटी बीजेपी फ्रंट को मजबूती देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, तमाम जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो इस बैठक में तमाम उन पार्टियों के नेता शामिल होंगे। 14 से अधिक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 17 विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, और ये दूसरी बैठक है एक सप्ताह के अंदर जबकि राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इससे कुछ दिन पहले पार्लियामेंट परिसर के अंदर बैठक बुलाई गई थी राहुल गांधी की ओर से, तमाम विपक्षी दल के नेता, इसमें भी 14 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे। हालांकि उसके अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तृणमूल के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे, कई अन्य पार्टियों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पेगासस का मुद्दा हो या फिर 3 किसान कानून का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सरकार इन मुद्दों से भाग रही है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। और नहीं तो अब तक जिस तरीके से विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्रालय का मामला है, पेगासस जासूसी का मामला जिस तरीके से, तो गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही चर्चा हो, किसी अन्य मंत्री की उपस्थिति में चर्चा ना हो। लेकिन मोदी सरकार की ओर से इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। साथ में जिस तरीके से इन मुद्दों पर सदन प्रस्ताव का नोटिस दिया जा रहा है, तो ऐसे में लोकसभा में राज्यसभा में विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, और जो बिल है वो बिना चर्चा के पास करा लिए जा रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष की उन बिलों के पास कराने में कोई भागीदारी नहीं है, इस पे भी विपक्ष क्या कुछ रणनीति बनाएगा आज की इस बैठक में पता चल जाएगा। ब्रेकफास्ट के बहाने एक तरीके से ये पॉलिटिक्स आगे की रणनीति किस तरीके से विपक्ष बनाएगी ये देखना होगा। राहुल गांधी तमाम पार्टियों को एकजुट करने का जो जिम्मेदारी उठा रही है, इस तरीके से अभी तक ममता बनर्जी ने ये कहा था कि क्योंकि कांग्रेस आदि नहीं आ रही विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए, इसलिए वो अन्य पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रही है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर से कई दौर की बैठकों के बाद राहुल गांधी ने एक सप्ताह में ये दूसरी बार बैठक बुलाई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, IUML और KCM के तमाम जो नेता हैं इन पार्टियों के शामिल होंगे, और साथ में जिस तरीके से विपक्ष एक रणनीति बना रहा है, केवल संसद के अंदर ही नहीं, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में है, यहाँ पर किस तरीके की विपक्ष की भागीदारी रहेगी। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अन्य विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, क्या पंजाब के अंदर भी इस तरीके का सपोर्ट कांग्रेस को देखने को मिलेगा, ये इस बैठक में ये भी एक रणनीति बन सकती है। यूपी में किस तरीके से विपक्ष एकजुट होगा, बीएसपी समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, तो क्या इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनती है ये देखना होगा। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता प्रीत किरण, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर अपडेट के लिए।